Hey guys, welcome back to another video. दोस्तों यहाँ पे Samsung ने फिर से अपने S20 FE 5G वाले डिवाइस में एक नया अपडेट रोल आउट करा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे इस दो महीने के अंदर में ये चौथा अपडेट है और दोस्तों ये अपडेट थोड़ा सा खास है क्योंकि यहाँ पे इसका वर्जन ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें इसमें चेंज हुई है। इस अपडेट को इंस्टॉल किए हुए मुझे दो दिन का समय हो चुका है और इसमें मुझे क्या क्या फीचर्स देखने को मिला है, क्या क्या बग्स देखने को मिला है, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेक श्योर आप चैनल पर हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे टेक वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है और आज हम लोग बात करने वाला है इसी Samsung Galaxy S20 FE 5G में एक नए अपडेट के बारे में, जिस अपडेट का नाम है One UI 5.1 based on Android 13। अपडेट की फाइल साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1.3 GB का ये फाइल साइज होने वाला है, बड़ा फाइल साइज है तो यहाँ पे फीचर्स भी काफी भर के दिए गए हैं इसमें। अब दोस्तों उसके बाद बात करें कि इसमें चेंज क्या हुआ है, तो सबसे पहले तो आपका सिक्योरिटी पैच को बढ़ाया गया है, यानी अब इसमें फरवरी का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है और यहाँ पे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे जनवरी का सिक्योरिटी पैच वाला अपडेट आया था जिसके बाद से डिवाइस तहस नहस हो गया। दोस्तों नेक्स्ट चीज है इसका परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस डेफिनेटली जो है इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे आपको स्मूथनेस चलाने में काफी ज्यादा फील होगा। अगर आप लोग इस अपडेट को इंस्टॉल करोगे तो उसके बाद आपको इसमें काफी ज्यादा चलाने में स्मूथ लगेगा। आप सारा एप्स ओपन क्लोज ये जो एनिमेशंस है सारा चीज बहुत ही तगड़ा हो चुका है, बहुत ही अच्छा स्मूथ हो चुका है। यहां पे इसमें एक मुझे बग भी देखने को मिला है जो कि है चलाते चलाते स्क्रीन का फ्रीज होना। दोस्तों यहां पे इसको यूज करते करते मुझे स्क्रीन दो बार फ्रीज होता हुआ दिखाई दिया इन दो दिनों में, तो ये ज्यादा बड़ा बग नहीं है लेकिन इस पे कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे कैमरा के बारे में, कैमरा में कुछ चेंज हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली इसमें कैमरा में बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। यहाँ पे कैमरा हो गया, गैलरी हो गया, बहुत सारी चीजें इसमें चेंज की गई है। सबसे पहला तो बात कर रहे थे कैमरा में कलर टोन वाला ऑप्शन, या कलर टोन को चेंज करने के लिए अब आपको यहाँ पे फिल्टर्स के साथ ही ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। दोस्तों सेकंड चीज, इसका लेंसेज जो आप स्विच करते थे तो हल्के फुल्के जिटर्स देखने को मिलते थे, यहाँ पे अब लेंसेज स्विच में आपको काफी हद तक इसमें स्मूथनेस देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों बात कर रहे थे यहाँ पे HDR के बारे में, लास्ट अपडेट के बाद इसका HDR थोड़ा सा गड़बड़ आ गया था लेकिन दोस्तों इस बार का HDR काफी हद तक इसमें ठीक हो चुका है। यहाँ पे HDR बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली वर्क करता है, चाहे वाइड हो या फिर अल्ट्रा वाइड लेंस हो, सारी लेंस में अच्छी तरीके से वर्क करता है। फोटोज के मामले में इसमें किसी भी प्रकार का डिग्रेड देखने को नहीं मिला है, यहाँ पे फोटोज पहले की तरह काफी ज्यादा क्रिस्प और शार्प आते हैं। अब जो बात करते हैं इसकी गैलरी के बारे में, पिक्चर का रीमास्टर इमेज जो है ना उसको इन्हांस कर दिया गया है। आप जो इमेज को रीमास्टर करते थे उसका अब प्रोसेसिंग काफी हद तक अच्छा कर दिया गया है। यहाँ पे पिक्चर आपको पहले हल्की फुल्की रिमास्टर के बाद डल देखने को मिलती थी, अब यहाँ पे रिमास्टर के बाद पिक्चर्स काफी शार्प काफी अच्छा देखने को मिलता है। गैलरी में सेकंड चीज जो चेंज हुआ है वो है इसका इंफॉर्मेशन वाला डिस्प्ले। आप लोग अगर इंफॉर्मेशन पहले देखते थे उसके मुकाबले अब ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग की जो है इसका बैटरी। जी हाँ दोस्तों, बैटरी के बारे में कंप्लेन सबको है, मुझे भी इस बैटरी के बारे में काफी ज्यादा कंप्लेन थी और यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इस बैटरी बैकअप लास्ट अपडेट के बाद इतना ज्यादा घटिया हो गया है कि यहाँ पे यूज करने पे 3 से 3.5 घंटे का ही SOT देखने को मिलता था। बट दोस्तों इस अपडेट के बाद यानी 5.1 के अपडेट के बाद यहाँ पे मुझे 6 घंटे प्लस का यहाँ पे SOT देखने को मिला है। दोस्तों यहाँ पे यूजर्स के बारे में बता दूं तो यहाँ पे मैंने कोई गेमिंग नहीं किया था बल्कि एक नॉर्मल यूज किया था, थोड़े मोड़े वीडियो कॉल्स किए थे, कुछ कॉल्स किए थे और दोस्तों यहाँ पे मल्टीमीडिया मैंने यूज किया था, यूट्यूब पे वीडियोस देखा था और दोस्तों यहाँ पे मैंने कैमरा भी थोड़ा देर यूज किया था और दोस्तों उसके बाद भी मुझे 6 घंटे प्लस का वॉच टाइम इसमें देखने को मिला है। ये काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की बात है। दोस्तों क्या आप लोग को इस प्रकार का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है? अगर आप लोग अपडेट को इंस्टॉल किए हो तो नीचे में कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक अपडेट को इंस्टॉल नहीं किए हो ना तो इस अपडेट को डेफिनेटली इंस्टॉल करना क्योंकि ये आपके डिवाइस का स्टेबिलिटी को काफी ज्यादा बढ़ाने वाला और यहाँ पे डिवाइस का जो बैटरी बैकअप है ना वो काफी तगड़ा होने वाला है इसके बाद। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज यार लाइक करना, शेयर कर देना और दोस्तों चैनल पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे टेक वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।